देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये रिमोट हो गया और ये चार्जर है बिजली में लगाने के लिए। इसको ये कनेक्टर्स के साथ यहाँ पे लगाते हैं हम इस प्रकार से, इसको लगा के और इसको आप पावर में लगा सकते हैं। और जो ये एलईडी है इसको यहाँ से आपको निकालना है और इसको खोल के, ये 5 मीटर होती है तो आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। इसके पीछे आप यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ये चिपकती है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर नहीं चिपकती है तो आप सेलो टेप, जो टेप है सेलो टेप से इसे चिपका सकते हैं दीवार पर, कहीं पर भी ये चिपक जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देखिए निशान मैं आपको दिखा देता हूँ, तीर का निशान दिया हुआ है और यहाँ पे इस पर भी तीर का निशान है। यहाँ पे आपको उस तीर के निशान से आपको ऐसे मिलाना है इसको बस, ठीक है। ये अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसे पावर में लगा देना है और ये चस जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये चसती है और जो रिमोट है किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए ये रिमोट है इसका, हम देखते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम रेड दबा देते हैं, हाँ देखिए ये रेड हो गई है, और ये ग्रीन दबाते हैं, हाँ ये देखिए ग्रीन हो गई है, ये ब्लू दबाते हैं तो ये ब्लू हो गई है, और ये वाइट दबाते हैं तो ये देखिए सारे कलर चस रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कलर चसते हैं, आप इन्हें कहीं ऐसी जगह लगाएंगे दीवार के ऊपर जहाँ पर सिर्फ कलर दिखें, ये एलईडी ना दिखे, तो ये आपको वाइट सा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए येल्लो करते हैं, हाँ तो ये येल्लो टाइप में हो गया, और यहाँ ये करते हैं तो ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर में, ठीक है। और यहाँ पे जो दिए हुए हैं देखिए, ये फ्लैशिंग के अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लैश का मोड है, इस पर आप दबाएंगे तो इस प्रकार से फ्लैश करेगी, और यहाँ आप इसे स्पीड करेंगे तो ये स्पीड में हो जाएगी थोड़ी, ये देखिए स्पीड में हो गई है, और इससे आप इसे स्लो कर सकते हैं, और इसे आप ऑफ कर सकते हैं, और इसे आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा मोड है, एक और है ये दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से है, आप इसे तेज़ करेंगे तो ये जल्दी जल्दी होगी, ये देखिए ये चलती हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है। और एक तीसरा भी मोड है ये यहाँ पे, इसको दबाएंगे तो इस प्रकार से होगी ये चसबूज होगी, और एक चौथा मोड है इससे ये इस प्रकार से होगी। तो आप इसे स्लो या तेज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा फास्ट है तो इसे दबाएँ आप, ये देखिए मीडियम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।